सर आपको पता है रिसेंटली में यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जहां पर उन्होंने बात की है कि 45 डायरेक्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं जो कि अपनी लाइन में बहुत अच्छे हैं उन्हें रिक्रूट किया जाए अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में थ्रू अ लेटरल एंट्री। सर ये लेटरल एंट्री क्या होता है? तो देखिए, लेटरल एंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पॉलिटी के अंदर काफी पहले से चला आ रहा है। लाइक ऑल्दो इंडिया ने इसे यूज बहुत पहले कर लिया, पर हमने कभी नाम नहीं दिया ऑफिशियली, राइट? ARC 1 ने 1966 में, ARC 2 ने 2007 में इसे रिकमेंड किया था, लेकिन हमने इतना यूज नहीं किया। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, व्हाट इज लेटरल एंट्री, देखिए इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की रिक्रूटमेंट होती है वो अंडर सेक्रेटरी लेवल तक होती है, जो यूपीएससी करवाता है, दैट्स द हाईएस्ट रिक्रूटमेंट। तो जिस यूपीएससी एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं वो अंडर सेक्रेटरी लेवल तक आपको रिक्रूट कराता है। उसके ऊपर रैंक्स हैं सिविल सर्विसेज की, डेप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, और ये सारी रैंक्स पे आप सीधा कोई पेपर नहीं है, आप अंडर सेक्रेटरी बनेंगे यूपीएससी एग्जाम से। फिर सीनियोरिटी पे जैसे जैसे आपका बैच प्रमोट होता रहेगा, आप 3, 4, 5 साल बाद प्रमोट होते रहेंगे। तो इंडिया की जो मिड लेवल और हायर सर्विसेज हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव, उन सबका कोई पेपर नहीं है, वो वर्टिकल प्रमोशन से होते हैं, अंडर सेक्रेटरी से। अब लेटरल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। सो द लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट इज कि हम जो इंडिया की मिड लेवल और सीनियर पोजिशंस हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव, उस पे हम प्राइवेट से सीधा एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे ताकि वो अपने इनपुट्स दे पाए गवर्नमेंट के अंदर, और उसको हम लेटरल एंट्री कहते हैं। तो टू डिफाइन लेटरल एंट्री, इट इज हॉरिजॉन्टल एंट्री ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट सिस्टम इन गवर्नमेंट सिस्टम एट मिडल लेवल एंड सीनियर लेवल। ऑफिशियली पहली बार 2018 में यूपीएससी ने स्टार्ट किया था लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट ऑफिशियली, हालांकि पहले भी होता था, और 9 ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर हायर किए थे। एंड आज, एज यू सेड, 45 रिसेंटली न्यूज चल रही है कि दे हैव बीन हायर। की बातों से सुनकर लग रहा है कि जितने भी एक्सपर्ट्स आएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उससे ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसीज तो बढ़ेंगी, जी बट आपको क्या लगता है इसके और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? हाँ, देखो अब आज प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, लेट्स से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एंड आपने 22-23 इयर्स में ग्रेजुएशन किया, 2-3 साल बाद आपका पेपर निकल गया, आप लबासना गए, फिर सर्व किया, तो बेसिकली आपको ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है, थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस होता है। तो वो आईएएस ऑफिसर जो बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑल, उन्हें किताबी नॉलेज तो बहुत होती है थ्योरेटिकल, बट फील्ड में इतना व्यू नहीं होता, क्योंकि पूरे टाइम तो बेचारा पढ़ाई में लगा देता है। तो वो जो पॉलिसी बनाते हैं आजकल इंडिया के लिए, जो पॉलिसी बनती है वो लाइक उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे एक वर्ड आया था आर्म चेयर एडवाइजर, मतलब थ्योरी में तो बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिस पे नहीं चलती। जैसे बहुत आसानी से हमारे हायर ऑफिसर्स कह देते हैं कि देखो हमने सरकारी हॉस्पिटल बनाया है, सरकारी मंडियां बनाई हैं, एमएसपी मिलता होगा सस्ते में, पर वो रियलिटी नहीं है। तो उसका प्रॉब्लम क्या है, देर इज अ गैप बिटवीन हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड, फील्ड नॉलेज नहीं है आईएएस को इतनी हायर लेवल पे। अब अगर हम एक्सपर्ट्स हायर करेंगे, लेट्स से कोई रोड कंस्ट्रक्शन में या बाहर से, तो वो अपना टेक्निकल इनपुट दे पाएगा और वो ज्यादा रेलिवेंट पॉलिसी बना पाएगा जो बेटर इम्पैक्ट डाल पाए। तो एक तो ये बेनिफिट है कि एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, बट पॉलिसी मेकिंग बहुत रेलिवेंट हो जाती है लोगों के लिए, और प्लस ब्यूरोक्रेसी इतना इनोवेटिव नहीं होता। देखो वो मजाक में बोलता हूँ कि सिविल सर्वेंट सिलेक्शन तक तो एफिशिएंट है, हाँ वो जी लबासना जाते ही पहले उसकी वो टैगलाइन होती है कि आज से हिंदू बंद और आज से पढ़ना बंद, राइट? तो वो इतना इनोवेट, लाइक चेंजेस इन द वर्ल्ड से वो इतना कनेक्ट में नहीं रहता। तो प्राइवेट सेक्टर आएगा तो नई टेक्निक्स लाएगा, टूल्स लाएगा, वर्क कल्चर लाएगा, जो शायद हमारे वो 9 to 5 वाला चल रहा है वो रिजल्ट डिलीवर करेगा। और देखो इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा, आज क्या है ना, जो लोअर लेवल आईएएस है उसे लगता है मैं प्रमोट तो हो ही जाऊंगा, उसके अंदर भी एक कॉम्पिटिशन की स्पिरिट आएगी कि नहीं यार कोई और भी बाहर से आ सकता है तो पढ़ लेते हैं। सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट इज देयर। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आरबीआई के अंदर, हम लेटरल एंट्री करते थे, बोलते नहीं थे, बाहर से बंदे लाते थे, बिमल जलान एंड ऑल। अच्छा, प्लानिंग कमीशन में सारे ही बाहर से लाते थे, मोंटीक सिंह आहलूवालिया एंड ऑल, तो उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। सो दीज आर दी ठीक है, बेनिफिट्स। जैसे मैंने खुद यूपीएससी की तैयारी की है, हम सब इस जर्नी से जाते हैं, तो जैसे ही हम देखते हैं ना कि कोई, चाहे वो एक्सपर्ट है अपनी लाइन से, बट जैसे हम देखते हैं ना कि कोई डायरेक्ट बिना एग्जाम क्लियर करे एंट्री ले रहा है, तो हमें बहुत सारे इसके ऐसे कॉन्स दिखने लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं? एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत आ सकती हैं। पहले तो ये सीधा आर्टिकल 16 का वॉयलेशन है जो कहता है कि सरकारी नौकरी पे सबको बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
तो अगर आप इंटरव्यू से सीधा किसी बाहर वाले को ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे ला रहे हो, एक तो वो आर्टिकल 16 का वॉयलेशन है, दूसरा आप इंटरव्यू के बेसिस पे किसी को सेलेक्ट कर रहे हो तो वेस्टेड इंटरेस्ट नेपोटिज्म चल सकता है। और अभी जो क्रिटिसिज्म हुआ है कि नॉर्मली जब आप गवर्नमेंट एग्जाम करवाते हो तो आपको रिजर्वेशन वगैरह का, सोशल जस्टिस का ध्यान रखना है, इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है, लेटरल एंट्री में कुछ नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोशल जस्टिस बाईपास हो जाएगा हाँ जी इस एफिशिएंसी के नाम पे। और अब प्रॉब्लम देखिए इसके अंदर क्या है, और भी 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे एक बाहर से एक्सपर्ट आएगा, 5 साल बाद गारंटी नहीं है वो गवर्नमेंट सर्विस में रहेगा, और 5 साल से पहले भी नहीं था। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब उसने टेम्परेरीली ही काम करने आना है वो गवर्नमेंट ऑफिस को मिसयूज करे अपने प्राइवेट बेनिफिट, क्योंकि पूरी जिंदगी तो उसे आगे सर्व करना है, हाँ जी तो उसमें वो वेलफेयर वाली ओरिएंटेशन नहीं होगी जो आईएएस में। देखो आईएएस जो सेलेक्ट होते हैं वो पैसों के लिए नहीं, मेजरली वेलफेयर के लिए, एंड देन यू कैन से पावर एंड ऑल, बट उनकी सैलरी इतनी नहीं होती। कल को यूपीएससी का पेपर कौन देगा, वो भी सोचेगा हम पहले पैसे कमा लेते हैं फिर कुछ हिसाब किताब लगा के ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो एक तो ये उन्हें डीमोरलाइज करेगा जो अपनी पूरी जिंदगी यूपीएससी जैसे वेलफेयर ओरिएंटेशन लेके सर्व करते हैं, एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट। और दूसरा वो जो प्राइवेट व्यक्ति आया है, क्या गारंटी, गवर्नमेंट का काम पैसा कमाना नहीं है, वेलफेयर है, हाँ जी वो उसे मिसयूज कर सकता है, सीक्रेट डेटा आगे दे यस सकता है। और जहां मैंने आपको पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स दिए, एयर इंडिया में भी हमने लेटरल एंट्री करी थी, वो बेचारी सड़क पे आ गई, वो उड़ने की बजाय वी हैव टू सेल इट। तो ऐसा नहीं है, लेटरल एंट्री के पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, नेगेटिव भी बहुत हैं। एंड यू शुड अंडरस्टैंड, एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ, देयर इज आउटसाइडर सिंड्रोम। लेट्स से आप बाहर से आओगे सरकारी नौकरी में, तो जो इंसाइडर है उन्हें थोड़ा सा ईगो पे यस लगता है। वही जो मैंने बोला एंड व्हाट हैपेंड रिसेंटली इज वेरी फनी थिंग, एक हमारे लेटरल एंट्रेंट थे, वो जो 9 हायर किए थे 2019 में, एक थे वो रिजाइन कर जाते हैं, और रीजन उन्होंने क्या दिया है कि जो ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है उसका उन्हें पार्ट नहीं बनाया, बिकॉज द एग्जिस्टिंग स्टाफ वर नॉट वाज नॉट विलिंग टू कॉपरेट विद दैट। कॉपरेट तो देखो एक तो वेलफेयर मोटिव कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यस सोशल जस्टिस कॉम्प्रोमाइज होता यस है, गवर्नमेंट के सीक्रेट डेटा, और देखो आईएएस से ज्यादा टैलेंटेड आपको, वी नो उनका यस क्रिटिसिज्म है, यस पर आप उन्हें मौका दो, थोड़ी ऑटोनॉमी उन्हें दो जो आप प्राइवेट वाले को दे रहे हो। क्रिटिसिज्म कुछ ज्यादा है, और आजकल तो सोशल जस्टिस को लेके कुछ ज्यादा है जब से ये वाली एड्स आई हैं, तो आई थिंक नेगेटिव्स आर मच मोर प्रोमिनेंट कंपेयर टू दैट, एंड इट इज अ डायरेक्ट वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट इज वाई द इश्यू। सर, अब आपने इतने सारे बेनिफिट्स भी बता दिए, प्रॉब्लम्स भी बता दिए, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। और हम सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स की आदत होती है कि हमें हर चीज पे बैलेंस पर्सपेक्टिव बैलेंस, चाहिए होता है, जी जी तो आखिरी में आपका व्यू क्या रहेगा इस पर? देखो ये फैक्ट है, ब्यूरोक्रेसी ओवर द टाइम इनएफिशिएंट हो जाती है, इनोवेट नहीं करती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, और ये भी सच है कि लेटरल एंट्री के आने से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बेटर पॉलिसी आएगी, और वो हमें चाहिए। आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गए हैं, आप तुक्के पे नहीं चल सकते कि ठीक है आईएएस बना देगा पॉलिसी, आपको एक्सपर्ट चाहिए। तो उसके लिए दूसरा प्रोविजन है ना, आप एक्सपर्ट्स को हायर कर लो एज एन एक्सपर्ट पैनल, जिसे हम स्टाफ एजेंसी कहते हैं, जैसे नीति आयोग, नीति आयोग इज योर एक्सपर्ट बॉडी। तो आप रादर देन लेटिंग द प्राइवेट पर्सन डायरेक्टली एंटर इन टू गवर्नमेंट सर्विस, जो कि डीमोरलाइज कर सकता है पूरे सिविल सर्विसेज को, आप जो आईएएस ऑफिसर हैं हायर लेवल पे उनका एक एडवाइजरी सेल बना दो, जैसे नीति आयोग है, गवर्नेंस सेल बोलते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में है भी, और वहां आप एक्सपर्ट हायर करो। उससे क्या होगा, एक तो ये डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं एक्सरसाइज करेंगे, बिना पेपर निकाले तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और इनका एक्सपर्ट ओपिनियन भी हो जाएगा। बल्कि खाली इसमें क्यों, हर लेवल पे गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है एक्सपर्ट से और सिविल सोसाइटी से पूछे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप पोल करवा लें। तो लेटरल एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंसी एंड ऑल, बट आई वुड एडवाइज कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लेटरल एंट्री आप करो तो सही, लेकिन एडवाइजरी लेवल पे आप कर दीजिए ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। और अगर आपको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करना ही है तो पहले एक सिविल सर्वेंट को मौका देके देखे कि तेरे को भी हम वो लेट्स से फ्रीडम देते हैं रिजल्ट्स डिलीवर करने के लिए, इफ दे डोंट डिलीवर यस यू कैन ऑल द टाइम गो फॉर दिस। और देखो हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा राइज कर रहा है, एंड यंगस्टर्स आर डाइंग टू बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, बहुत क्रेज है गवर्नमेंट को सर्व करने का एंड ऑल। अगर आपके पास शॉर्टेज है और आपको एक्सपर्ट्स प्राइवेट से हायर करने हैं, आप रिक्रूटमेंट इंक्रीज कर दीजिए, आईएएस को ट्रेनिंग दे दीजिए, उससे दोनों चीजें आएंगी, यस परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी आएगा एंड गवर्नमेंट भी सोशल जस्टिस यस डिलीवर कर पाएगा। यस तो आई थिंक दैट विल बी मोर थैंक यू इंक्लूसिव। सो मच सर, आपने सारे डाउट्स क्लियर किए। आई होप आप सबके भी लेटरल एंट्री से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हुए। और आगे इसी टाइप के कंटेंट को देखने के लिए प्लीज फॉलो अस। थैंक यू सो मच।